नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके में आप पैसा खर्च करते हैं, जिसके लिए अपने जीवन का बहुमूल्य 6-8 घंटे समय आप देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ आपको अच्छा मनोरंजन मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं होता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज़ की। आजकल वेब सीरीज़ काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, लोगों को इंटरनेट एक्सेस हो गया है, यहाँ भी जो है बड़े स्टार्स आ रहे हैं, बहुत प्रतियोगिता से दिख रही है, वैरायटीज भी आपको वेब सीरीज में दिख रही है, लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ बना रहे हैं, बहुत क्रिएशन है। टीवी चैनल्स तो जितने हैं ही, जो बड़े प्लेयर्स हैं नेटफ्लिक्स अमेज़न, वो सब अपना वेब सीरीज लेकर के आ गए हैं, कुछ ऐप्स भी हैं, और दर्शक इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी मैं बात करूँगा अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के। अमेज़न प्राइम पे अभी 20 तारीख को द फैमिली मैन रिलीज हुआ, मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में थे और इस सीरीज़ को और ख़ासकर मनोज वाजपेयी की जो एक्टिंग है उसको लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया। उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स पे आया बार्ड ऑफ ब्लड, इसमें इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में है, इमरान हाशमी की ये पहली वेब सीरीज़ है। और ये चर्चा थी कि जो इमरान हाशमी की सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं द फैमिली मैन को टक्कर देगी, लेकिन आप देखिए, जब बार्ड ऑफ ब्लड आपने अगर देख ली हो या नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये फैमिली मैन के सामने कहीं टिकती नहीं। ये कहानी बहुत भटकी सी है, कोई उतना कसापन नहीं है, करेक्टर्स उतने अच्छे डिफाइन नहीं किए गए। दूसरी तरफ आप फैमिली मैन की बात करें तो वहाँ करेक्टर्स बहुत अच्छे डिफाइन किए गए हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है। एक सिंपल स्टोरी लाइन है, जो एक स्पाई है और उसको एक आतंकी घटना को रोकना है, लेकिन इतने अच्छा स्क्रीन प्ले है, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, सिक्वेंस इस तरह से बनाए गए हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो फैमिली मैन और बार्ड ऑफ ब्लड की तुलना हम फिर कभी कर लेंगे, अभी हम चर्चा करें जो अमेज़न प्राइम है और नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स भी दुनिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का, लेकिन क्या वजह है कि अमेज़न प्राइम से वो आगे नहीं निकल पा रहा है या उसको पछाड़ नहीं पा रहा है इंडिया में? मेरा मानना यह है कि नेटफ्लिक्स में एक तो अपने कंटेंट पर उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उतनी वैरायटी लानी पड़ेगी और नंबर ऑफ सीरीज भी उनको बढ़ानी पड़ेगी। सेक्रेट गेम्स 2 सीज़न आया, पहला सीज़न जितना ज़्यादा हिट हुआ, जितना लोगों ने उसे पसंद किया, उसके डायलॉग्स जितने चले, दूसरा सीज़न उतना कमाल नहीं कर पाया। फिर आप नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज़ को याद कर सकते हैं, दिल्ली क्राइम। निर्भया गैंगरेप जैसे चर्चित मुद्दे पर यह सीरीज़ बनी, इसमें जो लोग थे उनकी एक्टिंग बहुत सराही गई, स्टोरी लाइन तो सबको पता ही थी। एक जो पुलिस विभाग में जो लोग काम करते हैं उनका एक ह्यूमन चेहरा है, या उनकी जो अपनी परेशानियां हैं, परिवार है, उसको लेकर के लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन हमने देखा कि बाद में वो विवादों में भी घिर गई और कुछ पुलिस कर्मियों का कहना था कि उनके चरित्र को ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। इन दो सीरीज को अगर आप किनारे कर दें तो नेटफ्लिक्स के की झोली में बचता क्या है? द टाइपराइटर, एक बच्चों की ऐसी कहानी जिनको भूत दिखता है, और अब भूत वाला तो उन्होंने पहले प्रस्तुत कर लिया था कि सीरीज आई थी गॉल। उसके बाद आप देखिए सिलेक्शन डे, क्रिकेट को लेकर के उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं खड़ा कर पाए। एक सीरीज की मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, वो है लैला। अब ये इतनी हाइपोथेटिकल इन्होंने सीरीज बना दी कि 2050 में क्या हो जाएगा और किस तरह की चीज़ें होंगी, और इस तरह से अतिवाद बहुत बढ़ जाएगा, या एक तरह की सोच बहुत हावी हो जाएगी, जातिवाद अपने चरम पे होगा, मतलब पता नहीं क्या क्या। और पहला एक एपिसोड देखने के बाद ही दर्शक समझ जाता है कि यह किसी एक लेखक की एक ऐसी सोच है, एक ऐसी उड़ान है, या कहिए कि इसको लिखने वाले ने जो है अपनी अपना फ्रस्ट्रेशन ही इससे जाहिर किया है, इसमें एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखिए अमेज़न प्राइम, अमेज़न प्राइम क्या लेकर के आ रही है मार्केट में और क्या उसको रिस्पांस मिल रहा है। द फैमिली मैन हमने थोड़ी पहले चर्चा की ही कि हर तरह हर लिहाज से वो बहुत ही सटीक, बहुत ही कसी हुई, बहुत ही इंटरटेनिंग सीरीज है,
और मनोज वाजपेयी हैं तो एक्टिंग की बात ही नहीं करनी चाहिए, हर किरदार में वो बहुत अच्छे लगते हैं। और खास करके जो फैमिली मैन का कंसेप्ट है कि एक स्पाई जो कि अपने परिवार की समस्याओं से भी जूझ रहा है, उसके परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली की जो दिक्कतें होती है, बहुत अच्छे से निभाया है मनोज वाजपेयी ने। इससे पहले मिर्जापुर आई थी, पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे, उसके एक एक डायलॉग्स की बड़ी चर्चा हुई। हालांकि मिर्जापुर में खून खराबा थोड़ा ज़्यादा ही दिखा दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पसंद किया। और उसकी वजह यह रही कि एक खास जगह से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के से अगर उसको जोड़ा गया था, तो उस जगह की जो भाषा है, वहाँ का जो कल्चर है, उस चीज़ों को लोगों ने बहुत कनेक्ट किया। देखिए द इनसाइड एज 2017 में ही द अमेजन प्राइम पे आ गई थी, क्रिकेट पे बेस्ड थी, और हिंदुस्तान में क्रिकेट पे बनी हुई कोई भी अच्छी सामग्री चलेगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि 2017 में जब यह आई थी तो वेब सीरीज को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं थी, चुनिंदा लोग ही उसको देखते थे, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी सीरीज थी। ब्रीद 2018 में आई थी, आर माधवन का बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा उसमें, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी रही, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। आप देखिए कि जो अमेज़न है उसके गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं। मिर्जापुर है वो एकदम बिल्कुल क्राइम पॉलिटिक्स पे है, उसके बाद इनसाइड एज है वो क्रिकेट की कहानी कहता है, ब्रीद है वो एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बच्चे की टूटती हुई सांसों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद फैमिली मैन स्पाई की कहानी है, बीच में और भी सीरीज आ रही है जैसे माइंड द मल्होत्राज। अब माइंड द मल्होत्राज में एक तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो उनकी सोच है, उसको बहुत बढ़िया से दिखाया गया। सारस सारुकार और मिनी माथुर बहुत दिनों के बाद हालांकि नजर आई थी, लेकिन उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त रही। फोर मोर शॉट्स प्लीज, चार महिलाओं की कहानी, उनकी सोच क्या है, उनके संघर्ष क्या है कामकाजी महिलाओं की, उसको बहुत अच्छे से दिखाया। मेड इन हेवन, मेड इन हेवन के जो मुख्य किरदार हैं वो वेडिंग प्लानर है ना, बैंड बाजा बारात में आपने जैसा देखा था कि हीरो हीरोइन वेडिंग प्लानर होते हैं, वैसे ये भी वेडिंग प्लानर हैं। ये महंगी शादियां अरेंज करते हैं और इसी बहाने बहुत ही खूबसूरत दृश्य दर्शकों को परोसा जाता है, लेकिन इन शादियों के पीछे जो कशमकश है, जो दूल्हा दुल्हन की कहानी है, तो इनके पास वेराइटीज़ बहुत हैं। अमेज़ॉन के पास देखिए इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, कॉमेडी अब कॉमिकिस्तान ले आए, चाचा विधायक हैं हमारे बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ये तो डायलॉग ही बहुत हिट हो गया, चाचा विधायक है हमारे, लोग बात बात में एक दूसरे से कहने लगे। तो अभी जो स्थिति है उसमें तो अमेज़ॉन ही बहुत आगे दिख रहा है नेटफ्लिक्स से, और यहाँ जो सीरीज आ रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसके कंटेंट, उसकी कसावट को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स, अब देखिए नेटफ्लिक्स ने अभी जो ये बार्ड ऑफ ब्लड बनाया, ये शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट से बनी हुई है, लेकिन कंटेंट के मामले में वो बहुत पीछे रह जाती है। वेराइटीज़ के मामले में नेटफ्लिक्स को ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी सीरीज़ भी वेराइटीज़ में हो, उनके सीरीज़ की संख्या ज़्यादा हो, और ऐसा कुछ हो जो हिंदुस्तानी कल्चर से, जो हिंदुस्तानी माइंडसेट है उससे कनेक्ट करती हो। अगर ये सब वो कोशिश करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में अमेज़न प्राइम को टक्कर दे सकें। तब तक सीरीज आते रहेंगे, आप देखिए हम भी देखेंगे और अपनी इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।